अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट? इस टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हो इट हेल्प्स टू कंट्रोल द रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल्स। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। जो स्टेटमेंट्स बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं या फिर आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में पीटीबी में पंजाब टेक्स्ट बुक में दी गई हैं उन्हें यहाँ पे मेंशन किया गया। डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हो इज़ इट आइडेंटिफाइड, आल्सो राइट द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज़ मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, एक्सप्लेन विद रीज़न। मल्टीपल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसे डिफाइन करते हैं, अ रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड आर कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने इस स्टेटमेंट को बोलते हुए, इस डेफिनेशन को बोलते हुए एक पॉज लिया, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है अपनी कम मिकदार की वजह से, और सेकेंडली ये केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्या इसके अलावा भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ फीचर्स हैं? एग्जैक्टली, अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं इस बात को तो आप कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंडली इट इज़ टेकन इन अ लेसर अमाउंट, थर्डली इट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, एंड फोर्थ वन इट प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब? ये वो रिएक्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और आपके पास प्रोडक्ट कम बनता है। कोई एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी, वापस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है सी, लेकिन इस केस में ए और बी इस तरह से लिए गए हैं, दीज आर नॉट इन स्टिच्यूमेट्रिक अमाउंट्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको स्टिच्यूमेट्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। स्टिच्यूमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करते हुए आप जो भी एग्जांपल लेंगे, ये बात ध्यान से सुन लें, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगी, उसमें स्टिच्यूमेट्रिक अमाउंट्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इसे भी डिस्कस करेंगे। क्या करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन इसी रिएक्शन में जो बाकी रह जाने वाला रिएक्टेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट स्टिल पड़ा हुआ है, वो रिएक्टेंट ए है, क्योंकि इस केस में बी लिमिटिंग था, लेकिन ए जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन मिक्सचर में एट द एंड मौजूद होता है। तो हम चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ कि कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो पहली एग्जांपल है, इफ़ वी टेक टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रीट देम विद द टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट टू मोल्स ऑफ वाटर। आप दो मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, आप दो मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं, मीन 64 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपके पास दो मोल वाटर बन रहा है, 36 ग्राम वाटर बन रहा है। अब क्या हो रहा है इस केस में, ऑक्सीजन इज सम ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, 1 मोल ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड पड़ी है, क्योंकि हाइड्रोजन कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुकी है। वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो चुकी है, इस वजह से ये ऑक्सीजन एज इट इज़ अनरिएक्टेड रहेगी। और इस ऑक्सीजन को आप कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट, जबकि हाइड्रोजन को कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चला कि एक मोल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब व्हाट, हाइड्रोजन के 2 मोल्स 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं? तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकली, स्टूडेंट्स ये एक एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे थे हम, कि हमने इन दो चीज़ों को ट्रीट कराया, इसीलिए मैंने दीज आर अलाउड टू रिएक्ट ट्रीट की टर्म यूज़ की, कि आप इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, जबकि आप अगर पेज पे एक थ्योरेटिकल इक्वेशन लिखें जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मोल वाटर बनता है, ये आपके पास स्टिच्यूमेट्रिक
अमाउंट्स यूज हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. और स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जाम्पल देंगे तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, मतलब रिएक्टेंट्स बैलेंस ना हो रहे हों प्रोडक्ट बनाने में. ये बात सुन लें कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो पड़े हों एक्सेस रिएक्टेंट. देखें, जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पर भी है और प्रोडक्ट साइड पर भी है वो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है. अगली एग्जाम्पल, क्योंकि आपके पास जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना होता है. अगर आप एक मोल कार्बन लेते हैं, उसे दो मोल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एक मोल ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है. यहाँ पे भी, यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कार्बन है, क्योंकि कार्बन की कंप्लीट कंजम्पशन के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया. अब इसके लिए जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कार्बन का एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. लेकिन आपने क्योंकि एक मोल कार्बन को दो मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, तो एक मोल एक्सेस रिएजेंट है जो कि लेफ्ट हो गया, अनरिएक्टेड पड़ा है, जबकि कार्बन अपनी कम मिकदार की वजह से, अपने नंबर ऑफ मोल्स कम होने की वजह से जल्दी कंज्यूम हो गया और वैनिश हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया. जी, तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्योंकि आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आपके सराउंडिंग्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ से एक्सप्लेन करें, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से हैं, तो कंबस्चन रिएक्शन जो हमारे घरों में हो रहा होता है, जो भट्टी जिसके अंदर ब्रिक किल्न जिसे कहते हैं, ईंटें पकाने वाला भट्टा, उसमें कोल एज अ फ्यूल यूज़ होता है. कोल वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है. ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कोल किस लिए यूज़ हो रहा है, कंबस्चन प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट, जबकि सेकंड रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो कि एक्सेस में मौजूद है. अब इस केस में होता क्या है कि कोल जब बर्न होता है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन कोल जब ख़त्म हो जाता है तो आपके पास ब्रिक किल्न के अंदर, उस भट्टे के अंदर, ईंटें पकाने वाले भट्टे के अंदर कंबस्चन प्रोसेस रुक जाता है, बर्निंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि कोल कंज्यूम हो चुका है. इसके अलावा अगर आप घर की बात करें, अगर आप LPG यूज़ करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यूज़ करें घर में खाना बनाने के लिए किचन में, तो क्या होता है, जब उस सिलेंडर में से गैस ख़त्म हो जाएगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ख़त्म हो जाएगी, तो आप मज़ीद बर्निंग, आपका जो है चूल्हा वो बंद हो जाएगा, मज़ीद चलेगा नहीं, ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन फ्यूल ख़त्म हो गया. इसी तरह मोटर बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे पेट्रोल होता है या डीजल होता है, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, वो जब कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास कंबस्चन प्रोसेस रुक जाता है, आपकी गाड़ी का, आपके मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो जाता है. तो होता क्या, जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होता है, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं कंबस्टिबल मटीरियल्स की, वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, ये सारे के सारे कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं जिनके कंबस्चन के नतीजे में आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. तो ये कंबस्टिबल मटेरियल्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. जी, चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, जो कि किचन की एक एग्जांपल है कि किचन में आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स, किचन में अगर आप सैंडविच बनाना चाह रहे हैं और आपके पास जो स्लाइसेस अवेलेबल हैं वो हैं 58 स्लाइसेस, कबाब हैं आपके पास 30, लेकिन आप सिर्फ 29 सैंडविचेस बना सकते हैं, एक कबाब बच जाएगा क्योंकि आपके पास स्लाइसेस ख़त्म हो गए हैं. अब इसे समझने के लिए एक डायग्राम है. जनाब, एक सैंडविच बनाने के लिए दो ब्रेड चाहिए होते हैं, दो स्लाइसेस ब्रेड के चाहिए होते हैं और एक स्लाइस चीज़ का चाहिए. तो क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर 28 स्लाइसेस हैं ब्रेड के. यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि आपके पास स्टैक्स की फॉर्म में ब्रेड्स ही ब्रेड्स पड़े हैं और आपके पास 11 स्लाइसेस हैं चीज़ के. जब आप इस चीज़ को लगाते हैं इन ब्रेड्स में, तो आप सिर्फ 11 सैंडविचेस बना सकते हैं क्योंकि आपके चीज़ के स्लाइसेस ख़त्म हो गए हैं. अब आपके पास जो ब्रेड हैं वो पीछे बच गए हैं, 6 स्लाइसेस हैं ब्रेड के. तो यहाँ पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, वो ये कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट लेते ही क्यों हैं, मतलब वो रिएक्टेंट रिएक्शन स्टॉप क्यों होता है. तो स्टूडेंट्स, जो रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होता है ना,
वो हमेशा ही हमारे पास लिमिटेड होता है, चाहे वो घर में हो, इंडस्ट्री में हो, लेबॉर्ट्री में हो। लेबॉर्ट्री में भी जो बहुत महंगे केमिकल्स होते हैं उन्हें कम से कम मिकदार में यूज़ किया जाता है। तो इसे देख के मुझे क्यों याद आया, क्योंकि जब हम लोग बेकिंग का काम कर रहे होते हैं तो चीज़ इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड से चीज़ एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे चीज़ ख़त्म हो गई है, ब्रेड जो है वो एक्स्ट्रा बच गए हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आप किसी रिएजेंट को एक्सेस में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अपने एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कम्प्लीटली कंज्यूम करना चाह रहे होते हैं। एक्सेस रिएजेंट क्या करेगा, वो ज़्यादा होगा आपका एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसिव रिएक्टेंट चीज़ है तो चीज़ सारे का सारा कंज्यूम हो गया, ब्रेड बच गए हैं, सस्ते वाला जो चीज़ होती है वो बच जाती है, एक्सपेंसिव चीज़ कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाती है। कम्प्लीट कंजम्पशन क्यों कराना चाह रहे हैं, ताकि वेस्टेज ना हो, एटलीस्ट एक्सपेंसिव चीज़ का वेस्टेज ना हो। इसी तरह लेबॉर्ट्री में अगर कहीं पर हमें प्लैटिनम यूज़ करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, प्लैटिनम को कम से कम अमाउंट में यूज़ करते हैं, उसके साथ बाकी जो सस्ते रिएक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सेस में यूज़ करते हैं, ताकि प्लैटिनम कम्प्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी होता है, ये तो किचन था, लेबॉर्ट्री थी, इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में भी जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है वो कम होता है, जिसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो चलते हैं जनाब अगले स्टेप पे, जो कि अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी होता है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप किसी लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पेपर वर्क करना होता है, यू हैव टू सॉल्व ऑन द पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको पेपर में ये डिस्क्राइब करना होता है, ये शो ऑफ करना होता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये नहीं कि जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करना है, वो डेफिनेशन थी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, यहाँ पे आपको सबूत देना है कि जनाब अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और कैसे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट दिया गया हो उसमें से आपको अगर दो रिएक्टेंट्स भी दिए गए हैं तो उन रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन होती है। अब आपके पास जो रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट है ना, अगर आपके पास 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट और उसे आप उसका रिएक्शन कराना चाह रहे हैं किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है रिएक्टेंट की, उस अमाउंट से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप मोल वाले टॉपिक में सीख चुके हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो आप नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद आप उन रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे, क्योंकि आपको जब ये बताया गया है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट की जो अमाउंट गिवन होगी उस अमाउंट से मोल्स फाइंड आउट करेंगे पहले स्टेप में। आप उन मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे अगर आप एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं और एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आप मोल रेशियो लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की विद द प्रोडक्ट। अब एक्चुअली अगर आपके पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं तो आप दोनों रिएक्टेंट्स के पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उन नंबर ऑफ मोल्स को आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपेयर करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कम मिकदार बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दी गई थी और वो एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और 100 ग्राम ही अमोनियम क्लोराइड था, बन रही थी अमोनिया, और अमोनिया हम देख रहे थे कि जब हमने इक्वेशन लिखी, मोल रेशियो लिया, तो अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनिया बन रहा था वो 1.87 मोल था, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो अमोनिया बन रहा था वो 2.70 मोल था। अब वो रिएक्टेंट फाइंड आउट करना होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कम मिकदार बने, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड की वजह से अमोनिया कम बन रहा था 1.87 ग्राम। तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कम अमाउंट बन रही है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तीन स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आपने समझना है, उसके बाद इन्हें अच्छे से याद करना है, क्योंकि एज इट इज़ ये पूछे जाते हैं। अब जनाब लिमिटेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है,
तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी एप्लीकेबल नहीं है। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में। क्यों? वजह बताएं। क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को कंट्रोल करता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं होते। एज अ रिजल्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप रिवर्सिबल रिएक्शन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यू कांट आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्रॉम अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। इसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।